हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो मैं हो गई हूँ रेडी एंड मैं जा रही हूँ लकी स्ट्राइक। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ, वो मेरा ससुराल है एंड हम लोग जा रहे हैं मम्मी पापा से मिलने के लिए। सो बेसिकली मैं, गुड्डन और अमर, हम तीनों का पहले प्लान था, लेकिन फिलहाल प्लान है कि मैं गुड्डन और पापा हम तीनों जा रहे हैं। एंड जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, बट निकलने में मतलब, दैट्स ओके। बट लेट्स गो, लेट्स सी कि हम लोग, क्योंकि ना बीच में हमारा नानी घर नवादा भी होता है, तो हम लोग नानी से मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। वैसे हमने सोचा तो है, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी चलो चलते हैं। क्या कर रही हो? मैं तुमको जाने बोल रही, तो तुम तो जा ही नहीं रही हो। जा ना, तुम लोग जाओ नानी से, सोने से, सफर। तुम क्यों नहीं जा रही हो? नानी का स्टेशन है, तुम रह लेना नानी के पास, घर छोड़ नहीं सकते। बोलो, फेसबुक छोड़ नहीं सकते हैं? दिन भर फेसबुक पे आ गई है, दिन भर फेसबुक चलाती है। फेसबुक की दीवानी। हाय रवली। हाय नी, बाय मम्मी। बाय बाय दोनों, बाय बाय। कितना मिलेगी मम्मी, कितना गला मिलोगी? चल लो ऐसा। अच्छा मैं जा पाऊंगी, चलो। आते हैं मम्मी, तो बैठा ले क्या? किरना कर लेते हैं इसको। मम्मी, हम लोग दोनों को गिरफ्तार होना पड़ेगा। पूछो क्यों? हम लोग का थैड चारों तरफ हम लोग को घेर लिया है। हाँ गुड्डन को भी। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं नवादा और हम लोग नानी से बस 5-10 मिनट के लिए मिलेंगे एंड फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ आने के बाद बहुत चीज़ याद आने लगता नहीं, और बहुत चीज़ बदल भी गया है। क्या बाबू, पहचान रही हो? हाँ, कौन है हम, कौन है हम? प्रणाम नानी। नानी भी लगता है मेरी फैन हो गई है। नानी को सब न्यूज पता होता है। बोलो ना नानी। हाँ रे, सब चीज होता है। देख लियो पर सब कुछ न्यूज किया बना हुए। हाँ, कैसे हम कैसे करते हैं नानी? खाइए। और कैसे करते हैं हम कैसे करते हैं? थोड़ा एक्टिंग कर दो मेरा भी। हाँ। चैलेंज हुआ था कौन सा, पानी वाला? पानी वाला जिसमें मम्मी मेरा मुंह घुसा दे रही थी पानी में, वो वाला। अच्छा लगा वो तुमको? तो जीवा को मेरा सबसे अच्छा वीडियो कौन सा लगता है? जीवा, सबसे अच्छा वीडियो कौन सा है? अब भी नहीं, जो कोई देखी होगी उसके बारे में बताओ। अच्छा, जो बना रहे उसी के बारे में बोल दी। इसमें तुम हो इसीलिए क्या? मतलब कैटेगरी में आ गई हो, पर हम तो आ ही गए थे क्या नानी? अब कैसे नानी, कैसे? कितना अलग इसका मुंह गोल है, मम्मी का मुंह चौखुट है, मम्मी का नहीं देखा। नानी सही बताती, नानी नहीं बताती है उस दिन फोन में कि बीवी मौसी जैसी लगती है। पता नहीं, अपने पापा जैसी नहीं। थैंक यू नानी,
नानी, मेरी नानी को कुरकुरे बहुत पसंद है ना नानी, और यही चीज नानी मम्मी भी अब करती है, मम्मी को भी कुरकुरे बहुत पसंद है। थैंक यू। ओ जीवा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। प्रणाम करो, तुम नहीं प्रणाम करोगी मौसी को? खुश रहो। अरे बाप रे बाप, खुश रहो बेटा, खुश रहो। नहीं आएगी मम्मा। यही रूम कहाँ जाए कितना था? हाँ मत, मत जाओ। Two hours later. तबियत ठीक नहीं हुआ। लग रहा हूँ मैं। अच्छा खा लेंगे एक ठो, एक ही ठो लेकिन खाएंगे। ससुराल आकर यहाँ का ये मशहूर लिट्टी चोखा ना खाया तो क्या खाया? गुड्डन, भूख ना लगने के बावजूद दो खा रही है। हाँ बहुत ही सही, पता नहीं कैसे ये बनाते हैं बट बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तीन बार ना सकता है, छह नहीं आता है। नहीं तीन ही बार होता है, तीन बार होता है और उसके नेक्स्ट बार से बस एक बार नहीं आया। छह और एक दोनों आपके तो हाँ हाँ बहुत तीन आया था। कहाँ से आया मम्मी का? तीन ने छ लगता है आज हम ही जीतेंगे मैं अंक लगता छ कोई ऐसा मत बोलिए तीन द नेक्स्ट डे। गाइस सो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटन और बिकॉज उनके अकॉर्डिंग खाने को नहीं मिलता, मुझे नहीं पता कि कैसा बनेगा। तो अभी तक तो आ तो रहा है यार, फ्लेम ये है, फ्लेम का दिक्कत है। साथ में ये कैसे निकाले, तो वाइट वाइट दिख ही रहा है, ऐसे रहता है खाली। उसको पानी में धो करके तो गाइस मटन के साथ साथ ये प्रॉन्स भी आए हैं, बट आई डोंट थिंक इसको प्रॉन बोलते हैं, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। झींगा, झींगा मछली, उल्टा मछली। सो इसे बोलते हैं पूरा खटखट आवाज आ रहा है। तो गाइस इसे कहते हैं झींगा छोटा, झींगा मछली। हाँ इसे झींगा मछली कहते हैं। बहुत शोर हो रहा है, इसे मैं जल्दी जल्दी बोल के खत्म करूंगी, बट मुझे इसको बनाने नहीं आता कि कैसे बनेगा। आज मैं अभी फर्स्ट टाइम इसको बनाने वाली हूँ। तुम खाई हो कभी? मैं आप खा रहे ये? वाह मेरा आई थिंक, पता नहीं अब खा के पता चलेगा इसका टेस्ट से। ये मैंने पहले क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है क्या? हाँ लगता है, शायद खाए हम ये। छूने में अच्छा लग रहा है क्या? छूने में अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी लग
सो गाइज़ मैंने यहाँ पे ये झींगा या जो भी इसको बोलते हैं वो बना लिया है। एंड ये ना बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इसमें ना सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट था, उसकी कमी थी, वो नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं डाला। बट इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए ना तो मैंने इसका एक अलग से सिर्फ शॉर्ट्स बनाकर डाला हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो। पापा यानी कि मेरे फादर इन लॉ है ना, वो मेरे कुकिंग स्किल से इतना ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि उनका मन कर रहा है कि एक रेस्टोरेंट खोले और मैं उसमें एज अ शेफ काम करूँ। ओके गाइज, मम्मी हाय हेलो बोल दी, इस ब्लॉग में बहुत देर बाद आई और मम्मी यहाँ दे रही हैं घी। कहाँ गया? हाँ, स्पेशली करके रखी हुई हैं, इसी का ज़रूरत पड़ता है मम्मी वहाँ पर सबसे ज़्यादा। हम लोग कह रहे हैं सर दिल्ली में खरीदे नहीं, पहले मम्मी भेजी और आप जो छोटा सा शीशा में बस मम्मी बहुत है बहुत है। इसको हाँ भाई वही सब चीज तो लास्ट में पता है आप जो नहीं दी थी सर्दी के लिए, खाली उसको एक बार पिए और फिर उसको वही बनाने में फिर यूज किए, क्या करते हैं फिर। हाँ, मम्मी यहाँ पे अचार भी बना के रखी है, अचार घी, हॉस्टल वाला वाइब ही आता है घर से जाने के बाद, क्या मम्मी? ठीक है सपना, बाय, फिर से मिलते हैं। कहाँ गए? मयंक नीचे चल गए क्या? आप क्यों प्रणाम कर रही हूँ मम्मी? ओ अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो। ओ अच्छा, हमको लगा क्यों कर रही हैं। ठीक है, तेरा मुंह कर ली, मेरा मुंह इतना पास से मत लो, अच्छा दूर से ले रहे, दूर से ले रहे, चलो बाय। ऑन ही है, ऑन ही है, आशीर्वाद दो, ले ले इसको। बाय बाय गाइस। तो हम लोग वहां से निकल गए हैं, हमारा प्लान था कि नानी को हमें कोडरमा लेकर जाना है, बट उन लोग का भी कुछ प्लान बिल्कुल रास्ते में ही चेंज हो गया है एंड हम लोग के साथ नानी नहीं जा रही है। तो हम लोग अभी फिलहाल नवादा में ही हैं एंड नवादा और बिहार गया ये सब जगह में ना एक मिठाई है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? अनरसा। ठीक, अनरसा। तो ये दिखाती हूँ, अरे दिख जा, इसमें दो वेराइटी है, खोआ वाला होता है, एक विदाउट खोआ भी होता है। हाँ आई थिंक, एंड ये बिल्कुल अभी गरम गरम छन कर आया है, पकड़ो यार तुम, कैमरा मैन कैसे करती है। लुक एट दिस, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए आया है, ऊपर कीजिए, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए आया है। अभी हम लोग इसको एक किलो पैक भी करवा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल गरम गरम ऐसा फ्राई छन कर आया है, आ भी गया। अब चलो चलते हैं, दिस इज सो यामी। अगर आप लोग ने कभी नहीं खाया है ना तो बिल्कुल खाओ, बहुत टेस्टी होता है ये। सो वी आर बैक टू होम एंड मैंने ज़्यादा तब व्लॉग नहीं किया बिकॉज हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए गए थे एंड मुझे स्पेशली मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग में टाइम नहीं दिया एंड हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, इसीलिए व्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा है। बट और क्या मैं बोलूँ, बस दैट्स इट गाइज। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज प्लीज़। इतना स्लो ग्रोथ तो पता नहीं, मैं मानती हूँ मेरी भी गलती है कि मैंने मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ, बट थोड़ा सा प्यार दिखाइए गाइज एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड मुझे थोड़ा सा बूस्ट अप कीजिए, बिकॉज आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे, आप कमेंट करोगे तो मुझे उसे मिलेगी बूस्टिंग, तो थोड़ा सा और ज़्यादा जितना मैं घर पे एक्टिव हूँ उतना ही मैं दिल्ली वापस जाके भी एक्टिव रह पाऊँ, बिकॉज पता यही होता है बाहर जब दिल्ली जाओ ना तो वहाँ पे इतना कुछ होता नहीं है करने को, कॉन्टेंट भी नहीं होता एंड जैसे यहाँ मैं सिंगल शॉर्ट्स वगैरह भी बना दी हूँ ना
तो वहाँ क्या होता है कि एक तो घर भी इतना छोड़ा कुछ दिख इतना इतना पता नहीं कहाँ ही हम लोग ले लिए, बट हमारी मजबूरी थी तो रह रहे वहाँ पे। और घर पे आते तो यहाँ पे तो कंटेंट ही कंटेंट, हमारी बिगेस्ट कंटेंट हमारी तो मम्मी ही है, सभी लोग मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दैट एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दीज पेरेंट्स इन माई लाइफ। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। एंड गाइज प्लीज शॉर्ट्स चेक करो, मैं शॉर्ट्स ऑलमोस्ट एवरी डे एक से दो, दो से तीन मतलब डाल ही रही हूँ, तो प्लीज शॉर्ट्स चेक आउट करो अगर इन केस लॉन्ग वीडियोस नहीं आते, ठीक है। तो फाइनल बाय।